फिर आई हसीना दिलरुबा। ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। तो क्या खास है इस फिल्म में, आपको इस फिल्म को अपना टाइम देना भी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। तो देखो, 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट हसीना दिलरुबा वो एक फन टू वॉच फिल्म थी, टाइम पास के लिए जरूर देखी जा सकती थी। लेकिन ये जो पार्ट टू है ये एक टाइम वेस्ट एक्सपीरियंस है। ना इस फिल्म में अच्छा रोमांस है और ना तो थ्रिल है। कहानी में कुछ भी चल रहा होता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स इस फिल्म में काफी डाले गए हैं, लेकिन ना तो उनका कोई सेंस बन रहा होता है और ना ही कोई लॉजिक बन रहा होता है, और कुछ भी इस फिल्म में थोड़ा भी कन्विंसिंग फील नहीं होता है। कैरेक्टर्स में आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जो न्यू कैरेक्टर्स इस फिल्म में हमसे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उनकी डेवलपमेंट भी बहुत वीक है। बस एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस है वो फिल्म में ठीक ठाक सी है। फिल्म का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी डिसेंट है। इन शॉर्ट, अगर आप कुछ भी देखकर एंटरटेन हो जाते हैं तो फिर आप ये फिल्म देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी स्टोरी, अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए होते हैं तो फिर ये फिल्म आपके लिए एक टाइम वेस्ट फिल्म है। और हाँ, ये फिल्म फैमिली के साथ भी देखी नहीं जा सकती, क्योंकि इस फिल्म में आपको बहुत अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे और अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखते हुए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 5 out of 10। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज देखते रहने के लिए।